हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एलपी एंड टेक्नीशियन का कट ऑफ 2018 के लिए कितना हो सकता है। ठीक है, इस बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने कट ऑफ यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आउट ऑफ 75। तो ऑफिशियल दिया गया था कि आप अगर यूआर के कैंडिडेट हो तो 75 का 40% तो आपको मिनिमम यहाँ पे लेना ही होगा। ठीक है, तो 25 के अगर नीचे अगर किसी कैंडिडेट्स को अगर मार्क्स होंगे तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, उनको कैंडिडेट्स मिले या ना मिले, बट यहाँ पे आपको 75 का 40% यहाँ पे आपको मिनिमम लेना ही था। ओबीसी कैंडिडेट और एससी कैंडिडेट्स के लिए 75 का 30% उनको लेके आना ही था, और एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 75 का 25% उनको लेके आना था। ठीक है, तो यूआर की अगर बात करेंगे तो मिनिमम यहाँ पे 25 तो होगा ही, पर 25 के ऊपर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 48 टू 54 यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है यूआर कैंडिडेट्स का। ठीक है, यानी ओपन कैंडिडेट्स का 54 तक यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है। ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो 42 टू 45 तक यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है ओबीसी कैटेगरी का। एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम 22.5 पे इनका कट ऑफ जा सकता है, बट यहाँ पे मैक्सिमम की बात करेंगे तो 35 टू 40 मार्क्स तक इनका कट ऑफ यहाँ पे जा सकता है। एसटी की बात करेंगे तो 30 टू 35 मैक्सिमम यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि ये एग्जाम जो है ये क्वालिफाइंग नेचर की थी, यानी ये स्क्रीनिंग नेचर की थी। इसके जो मार्क्स से ये आपके जुड़े नहीं जाएंगे आने वाले जो आपका पार्ट है, पार्ट भी होने वाला है उसके बारे में। ठीक है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे ऑफिशियल, यहाँ पे अलग अलग रेलवे बोर्ड में अलग अलग रीजन में अलग अलग वैकेंसीज है, चाहे वो लोको पायलट की हो या टेक्नीशियन की हो, तो जो है कट ऑफ है थोड़ी वैरी करेगी। बट यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं आपका जो सेकंड स्टेज होने वाला एग्जामिनेशन उसके बारे में। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, फिर भी हम लोग यहाँ पे पार्ट ए एंड पार्ट बी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज तो आपका हो गया है 75 मार्क्स का। अगर फर्स्ट स्टेज जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर जाते हैं उनका हो जाएगा यहाँ पे पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पार्ट ए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो पार्ट ए में कैंडिडेट्स को यहाँ पे 90 मिनट का समय दिया जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 90 होंगे। वही सब्जेक्ट होंगे जो रेलवे ग्रुप डी में है, यानी मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स। और पार्ट बी भी उनका होगा एक ही दिन। ठीक है, एक ही दिन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है क्लियरली टोटल ड्यूरेशन 2 hours and 30 minutes पार्ट ए एंड पार्ट बी टुगेदर। ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी टुगेदर मिला के यहाँ पे 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया गया है, जिसमें से 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा पार्ट ए का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और पार्ट बी का जो है आपको 60 मिनट यहाँ पे मतलब 1 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, और पार्ट बी जो होगा ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, आपका जो है जो भी टेक्निकल जो आपने फॉर्म भरे थे उसके ऊपर ये एग्जाम होगा। यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आपका डिप्लोमा या डिग्री किस बेस पे है तो उनका ये टॉपिक्स उनको आने वाले हैं। ठीक है, आपको ये नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड करके अच्छे से आपको इसकी स्टडी करना होगा कि आपने किस फील्ड के लिए, किस डिसिप्लिन के लिए आपने जो है अप्लाई किए थे, तो आपको क्या क्या टॉपिक यहाँ पे पढ़ना होगा, तो ये पार्ट बी के लिए आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है रिलेवेंट रेट फॉर पार्ट बी क्वालिफाइंग टेस्ट टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, और इसके बाद में अगर आपने एलपी के लिए अगर अप्लाई किए थे तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी आपका साइको टेस्ट होगा जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किए थे एएलपी पोस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे एलपी के लिए भी, द कैंडिडेट नीड्स टू सिक्योर मिनिमम स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज टू क्वालिफाई, दिस इज अप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स एंड नो रिलैक्सेशन इज परमिशेबल। इसके अलावा भी और भी काफी कुछ डिटेल्स है, जैसे कि अगर बात करेंगे तो एलपी मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ओनली फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द एप्टीट्यूड टेस्ट विद 70% वेटेज फॉर द मार्क्स ऑब्टेन इन द पार्ट ए ऑफ सेकंड स्टेज सीबीटी एंड 30% वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पे आपकी जो मेरिट बनने वाली है एलपी कैंडिडेट्स की वो बनेगी पार्ट ए में। पार्ट ए का 70% आपका लिया जाएगा और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो होने वाला है यानी आपका जो साइको टेस्ट होगा वहां का आपका जो है 30% उसको कंसिडर किया जाएगा, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जो आपका साइको टेस्ट होगा उसके मार्क्स आपके यहाँ पे जुड़े जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मार्क्स जो है आपके जुड़े जाएंगे साइको टेस्ट के और पार्ट ए के मार्क्स आपके जुड़े जाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से आपका जो है मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनने वाला है। अगर आपके कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप अपने डाउट्स जो है कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। ये रहा मेरे हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ इतना आ सकता है, क्योंकि आगे भी इनका सेकंड स्टेज होने वाला है, उसके बाद में साइको भी है, टेक्नीशियन का अलग एग्जाम होता है। कुछ क्वेश्चन पेपर्स एंड फेसबुक ग्रुप की कुछ चैटिंग देखने के बाद मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे लगाया है, और यहाँ पे ऑफिशियल मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन की स्टडी करने के बाद में जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।